अस्सलाम वालेकुम, कैसे हुए? सब ठीक है? अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपने ज़ुबान में रखे। तो आज हम बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी, यमी सी, स्पेशली स्पेशल और फास्टर रेसिपी लेकर आए हैं। तो चले हम बनाते हैं मकरोनी नूडल्स भी कह सकते हैं, मकरोनी नूडल्स तो नहीं, मकरोनी कह सकते हैं, पास्ता कह सकते हैं। तो चले फिर बनाते हैं चिकन पास्ता मेरे स्टाइल में, टेस्टी। तो व्यूअर्स, उसके लिए ये देखे चिकन चाहिए हमें। चिकन मेरे पास ये बोनलेस है, इसको हम कट करते हैं सबसे पहले, फिर अगला स्टेप करते हैं। तो व्यूज, हम चिकन जो है ना, ये अपने स्टाइल से आप इसको कट कर ले। मैं इसको ऐसे क्यूब्स के इस तरह से कट करूँगी क्योंकि हमने इसको फ्राई करना है, ठीक है? तो आप चाहें तो इसके राउंड में स्क्वायर भी कट कर सकते हैं अपनी उसके हिसाब से। ये देखिए, मैं इस तरह से इसको कट करूँगी, ठीक है? बस। तो व्यूअर्स, मकरोनी में जो मेन था वो चिकन है इंग्रेडिएंट। तो अब मैं इसको मैरिनेट करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ अगला स्टेप क्या। तो व्यूअर्स, इसमें ब्लैक पेपर मैं इसमें ऐड करूँगी, सॉल्ट जितना हम खाते हैं अपने, गार्लिक पाउडर 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लोर। अब मैं इसमें एग नहीं डाल रही, आप चाहें तो एग भी डाल सकते हैं, उसकी वाइट फेदी जो होती है ना वो। तो बस अब ये इसको हम करते हैं मैरिनेट। तो व्यूअर्स, अब ये बस हमने इसको बहुत सिंपल सा बनाना है, इसको मैं इसी में करके, तो ये अच्छे से मिक्स करके, तो इसको हम आधे घंटे के लिए रख देते हैं। तो बस फिर उसके बाद इसको जो करना है फ्राई वो करते हैं और अभी बाकी का काम करते हैं, ठीक है? तो व्यूअर्स, अब जो बाकी चीज़ें जाएंगी वो देखें, ये मेरे पास ये मकरोनी है, ठीक है, बच्चों के लिए। तो ये 2 वेल पेपर है, कैरेट है इसमें, और ये ग्रीन प्याज है, और ये मैं इसमें फ्रेश डालूंगी, और गार्लिक है, ये इसमें जाएगा, ठीक है? तो अब हम इनको कट करते हैं। और साथ ही मैंने मकरोनी के लिए पानी रखा है इधर कि ये बॉयल हो रहा है, ठीक है? तो अब हम इसको बॉयल करते हैं, तो फिर बाकी काम करते हैं। व्यूअर्स, अब हम इसको कट कर लेती हैं सारी वेजिटेबल को जब तक वो बॉयल होते हैं और हमारी मैरिनेशन होती है। तो बस, तो व्यूअर्स, इस तरह से हम सारी जो है ना वेजिटेबल उनको कट कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, गार्लिक को भी हम चॉप कर लेते हैं, ठीक है? इसको अच्छे से चॉप कर लेते हैं इसका, क्योंकि हमने सॉसेस बनाना है तो उसमें हमने ऐड करना है। इसको भी हम चिली को भी ऐसे ही कट कर लेंगे इनको। तो व्यूअर्स, ये हमने वेजिटेबल अपनी सारी कट कर ली, अब हम इसकी सॉस तैयार करते हैं। गार्लिक और ओरिगैनो और चिली सॉस है, ऐसा 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा व्यूअर्स, 1 टेबल स्पून इसमें विनीगर जाएगा। तो व्यूअर्स, ये हमारी बन गई सॉस, ठीक है? ये हम इसको करते हैं अब नेक्स्ट स्टेप। तो ये हमारी बॉयल हो गई है मकरोनीस, तो अब हम अगला स्टेप करते हैं। तो व्यूअर्स, अब यहाँ पे ये देखिए, पैन में मैंने ऑयल ले लिया, अब हम जो हमारी चिकन जिसको हमने मैरिनेट किया है उसको हम फ्राई करते हैं। तो व्यूअर्स, अब ये जो हमने मैरिनेट की थी ना अपनी चिकन, इसको हम इस तरह से फ्राई करेंगे। ये तो व्यूअर्स, बस हमने इसको इतना करना है, इससे ज़्यादा हमने इसे ब्राउन नहीं करना बिल्कुल, ठीक है? वरना फिर वो उसका टेस्ट जो है ना वो अच्छा नहीं आता। तो व्यूअर्स, ये हमारी चिकन देखे फ्राई होगी, बहुत अच्छा सा कलर देखे मैंने किया इसका गोल्डन। तो अब नेक्स्ट स्टेप इसका करते हैं, ओके, फाइनल लास्ट स्टेप। तो व्यूअर्स, अब देखिए, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ले लिया है। तो अब इसमें ये जो मैंने बनाया था इसका ये सॉस, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे करेंगे बस हल्का सा। व्यूअर्स, अब यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून विनीगर में ये चिकन पाउडर डाला है, 1 टेबल स्पून के टीस्पून के करीब, ठीक है? आप चिकन कैरेट डालेंगे पहले, थोड़ा सा इसको करेंगे क्योंकि थोड़ी सी हार्ड होती है ना ये। तो अब हम अपनी ये जो है वेजिटेबल बाकी की है उसको ऐड कर देते हैं। अभी थोड़ी सी ब्लैक पेपर मैं डाल रही हूँ, क्रश हुई, बहुत बारीक नहीं पिसी हुई। अब ये जो हमने चिकन की थी वो, ये ग्रीन प्याज मैंने कट की थी वो वाली। तो अब पास्ता हम इसमें ऐड करते हैं, अपनी मकरोनी ऐड करते हैं अपनी। अब एंड में मैं इसमें ये देखे 1 टेबल स्पून के करीब इसमें ऑयल डाल रही हूँ, तिल का ऑयल, सरसों में ऑयल। तो व्यूअर्स, ये देखे ये मज़ेदार सी हमारा ये जो मकरोनी बन गई चिकन। तो बस अब हम इसको डिश आउट करते हैं, देखे बहुत ही मज़ेदार सी स्पेशल टाइप की बन गई।
तो व्यूज अब हम डिश आउट करते हैं इसको। तो व्यूअर्स ये बन गया हमारे मज़ेदार सी मकरोनी। देखिए मैंने कितनी मज़ेदार सी बना ली थी। चलें अब आप भी ऐसे बनाएं, खाएं, खिलाएं, एंजॉय करें। दुआ में याद रखें, जाने से पहले वही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि जो भी हमारी वीडियो आपको मिले कमेंट्स में लिखा करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।